अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। आज का ब्लॉग हम लोगों ने स्टार्ट ले लिया है और ये जो मेरा रह गया था, मैंने बोला था मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, तो मैंने इतना कंप्लीट कर लिया था, मैंने फिर रख दिया। फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लग गई। इसकी तारीफ करो वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। तारीफ करो भाई, तारीफ करो, तारीफ करो। वाह वाह वाह, बताओ तो सही बना कैसा है। वाह वाह, कम्प्लीट सार देख रही हुई ना, वो तो मुझे ये कहेगी मुझे दे दो, इसको मैं ले जाऊंगी। पंजाबी में कहते इसको घड़ा, उर्दू में कहते इसको मटका। तो कैसा लगा आप लोगों को? ठीक है, ये अभी मैं दिखाती हूँ यूं करके। मोहल्ले वाले आ जाएंगे। सही माशाल्लाह करो। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या छोड़ो इसको पागल, अक्ल ही नहीं है क्या खाना है और क्या छोड़ना है। अब फिर बंदा इससे कैसे बचाए कचरा। नहीं अभी जो है यार मैं कवर सी रही थी, मैंने पहले मैं इसका कवर सी लू, मैं मशीन को तो साइड पर लगाऊ, इसमें भी बहुत मट्टी होगी। मशीन मैंने अभी ठीक करवाई है, तार को वो माँ ने खा लिया, अभी वो भी खुद भी जाग रही, वो सो भी नहीं रही कि मैं सो जाऊं, और यहाँ पे मेरा काम नहीं सिमट रहा। कसम से इतना थक गए हैं, समझ ही नहीं आ रही कि क्या करें। एक कमरा साफ होता है, दूसरा फैल जाता है, खुद फैल रहा है, वो उधर से उधर जा रहा है, उधर से उधर, ये देखो सब फैले जा रहा है। डीप क्लीनिंग से इतना फजूल कागज निकला है जो हम लोगों ने, कूड़ा कूड़ा। अब बन्नी को देखो अंदर चली गई है, अब पता नहीं कौन सा नुकसान करेगी। मट्टी उड़ी है ना, इस कदर उड़ी है कि मैं सोच नहीं सकती कि इतनी मट्टी। एक हफ्ते पहले किया ना साफ, अभी हालत देखो इसकी। पंखा दिखाओ, देखो पंखे की क्या हालत हो रही है। और अब मैं इसे करूंगी साफ और फिर साफ करके दिखाऊंगी। इसके ऊपर मैंने जो ना डिजाइन बनाया था इस पंखे का, यहाँ मशीन का कवर भी सिल गया है। हाँ। और ये मैंने फैन भी साफ कर दिया, और ये था फैन पे डिजाइन। डिजाइन अच्छा लग रहा है। हाँ, ये स्प्रे किया था, बहुत हाँ। प्यारा लग रहा है। ओ केक रस, केक रस बन्नू के हैं, ये तुम्हारे नहीं हैं, मेरे हैं। कचरा सारा यहाँ जमा करते जाओ। हाँ। पंखा साफ किया ना, सोफे पे आ गया, सारा झाड़ू खा जाएगी। इसी से पुट लगाऊंगी तेरी मैं। सफाई किससे करें हम? सबर कर। अब ये चार्जिंग वायर ना चबा दे। सबर कर। भाग जा यहाँ से। चल काम नहीं करने दे रही हमें। पता है सफाई हो रही है फिर भी। हाँ देखो सर इसके काम बस। जल्दी जल्दी मैं इसे मेटती हूँ। 10 मिनट लगेंगे। हो जाएगा। वो भी चला के गई गई गई। एक गाना गाएगा मेरे बीते खाना खाएगा। ओए शिट, उसको पता है मुझे उठा लेंगे इसलिए आते ही नहीं आ रही। काम करने देंगी अम्मा। ये इसका खाना जगह जगह पर रखा है। पानी अभी हटा रहे हैं। झाड़ू लगेगा, पोछा लगेगा, डस्टिंग होगी और फिर घर साफ सुथरा हो जाएगा। ये सारी कचरे की टोकरी भर दी हमने, और जो इसमें ये टीन डब्बा है, अरे मेरा ये मोबाइल डब्बा, सब जाओ सब जाओ। बहुत संभाल के रखा है। वो पानी की बोतलें भी फेंक दो, वो गिलास पड़ा है। नहीं नहीं अम्मा सुबह मुझे फेंक देगी। अम्मी ने उठना है ना, कहना है ये घर काम गया सारा। हाँ। मस्ती करनी है, उसको खेलना है आज इधर। मैं तो कर रही हूँ चार्जिंग वायर इसके। इतनी सांस ले लो अभी। चार चीजें उठाई सांस, बस ऐसे ही कर रही हूँ सुबह से काम। हम वन टेक में करें ना हो जाए, लेकिन हमें बीच में खाना भी खाना है, बीच में हमें कॉफी कावा भी पीना है, फिर सांस भी लेना है। उसको बस उसके ऊपर ध्यान रखो। चलो करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में, दिखाते हैं। झाड़ू लेके कहाँ चली? बड़ा लेकर आया, इसको वापस कराने जा रहा। वापस कर लेगा? हाँ यूज तो किया नहीं है।
आगे ना तुम गाँव में चलते चलते। हाँ हाँ, ये है हमारा छोटा सा गांव, जहाँ कभी कभी हमें कुछ भी चाहिए तो हम आ जाते हैं गांव की फीलिंग लेने के लिए। बिल्कुल विलेज जैसा लग रहा है। माशाल्लाह भैंस की देखो कितनी है ना, कैसी लग रही है, व्हाइट प्यारी लग रही है। मैं सोच रही हूं घर यहीं बना दूं। हाँ, एक छोटा सा तबेड़ा, क्या कहते हैं, तबड़ा, तबेला, वो गाय का होता है। चकोर ले लो, अभी यहाँ से हम झाड़ू ले लें, बहुत सारा शोर हो रहा है जनरेटर का। रसोली वो जो तेल में डलती है, नहीं ये कोरोना वायरस जैसा लग रहा है। चलो ये मैंने तोड़ लिया, मैं अम्मी को दिखाऊंगी। अम्मी क्या पता कोई फल सब्जी हो, बस मार थोड़ी रही है, बनी जैसी लग रही है ना, बनी का बड़ा बना बड़ी। अभी अभी हम वहाँ से दूध और जलेबी लिया, और यहाँ से पूरा डेयरी है, यहाँ से अच्छा वाला खालिस दूध मिलता। हाँ, पर बेर नहीं है इस पे, बेरी नहीं है एक भी है, मैं कह रही हूँ बेर एक भी नहीं है। बेरी है पर बेर लगे अक के, इसको अक, कहते अक, खा सकते हैं इसको। इसके फूल जो होते हैं ना वो खाए जाते हैं, कमर में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, और फिर वो उसके फूल छोटे छोटे निकाल के खाओ, और उससे जो है ना बहुत सारी बीमारियों का इलाज। पीछे का व्यू इतना प्यारा आ रहा है, कितनी हरियाली ना, मेरा दिल चाहता है बस मैं यही बैठी। इसको जलेबी दे दूं आपके, क्यों किया, ओ ओ ओ मैंने नहीं बुलाया, ओ मैंने नहीं बुलाया, क्या बात है, मैंने आवाज लगाई। अम्मी घर नहीं है ना। हाँ जी, चश्मा क्यों उतारा है आपने, वो पसीना आया था ना। है सांस क्यों फूल रही है आपकी, चल गए हैं ना। तो मैं अम्मी को दिखाती हूँ, ये देखिए ये क्या चीज है, नोली, हरनोली नहीं। हाँ, हरनोली पे कांटे नहीं होते हैं। हाँ। मैं वो ही समझ रही थी। नहीं, नहीं ये वो नहीं है। अम्मी को भी नहीं पता जी, देखो जरा ऐसी मिली है, दो मेरे हाथ में कांटे भी लग गए, उंगली पे दो दफा लगे हैं। जारे कांटे हैं तो कांटे तो लग गए हैं। देखो मैं जरा, इन लोगों ने खाना खाया, इनको खाना दिया था, ओ खाना नहीं खाया। जरा झाड़ू वापस करवा कर आई, और यहाँ पे जो है घर पूरा फैला हुआ था, आई मीन रात से हम लोग कर रहे थे काम जो मतलब हुए नहीं अभी तक, और अनकम्प्लीट ही मैं मतलब छोड़ के सो गई। मैंने कहा फिर इंशाल्लाह सुबह करूँगी, यहाँ से तो मैंने साफ़ कर लिया था, और थोड़ा बहुत रह गया वो इंशाल्लाह अभी करूँगी, सेटिंग वेटिंग करनी है, क्लीनिंग तो यहाँ की हो गई, झाड़ू पोछा होगा, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और जो ये है कमरा, ये तो बिल्कुल ही उजड़ा पड़ा हुआ है मेरा। अभी मैं इसकी बेडशीट ये निकाली है मैंने अभी, बेडशीट ये बेडशीट डालती हूँ, फिर बेडशीट डाल के दिखाती हूँ। Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. जो है जलेबी मैंने निकाल ली है, आज आप लोग भी बिस्मिल्ला करें। और कितनी जबरदस्त है, यहाँ दूध है, अभी चाय बनाऊंगी, और ये देखिए जरा माशाल्लाह। गरम गरम, और मैं थोड़ी सी जलेबी ले रही हूँ, और बाकी अम्मी जलेबी खाएंगी, अम्मी को बहुत अच्छी लगी, तो जो बच जाएगी सुबह जो है ना दूध में डाल के वो खा जाएंगे, बस इस तरह सुबह दूध में अच्छी लगती। हाँ, बहुत अच्छी लगती है, आप लोग भी लें, बिस्मिल्लाह करें, हमें तो बहुत अच्छी लगती है, थोड़ी सी बस इतनी सी काफ़ी है। तो बाकी ये है कि थोड़ी देर में मिलते हैं, अभी मैंने अपना रूम भी क्लीन करना था, और हम लोग जलेबी खाने बैठ के मैं चलो खा लेती हूँ, फिर मैं करती हूँ क्लीनिंग, करती हूँ, कल से मेरी क्लीनिंग ही चल रही है, वो खत्म नहीं हो रही, इंशाल्लाह आज मैं फाइनल कर दूंगी। इंशाल्लाह करने के लिए मेरे पास क्या है, कॉफी। हाँ, सेकंड लगेगा, फिनिश हो जाएगी क्या। अब ये छोटे छोटे कप मैंने रुखसार को भी दे, कप वो ले गई, उसकी वो केतली सी रह गई, रुको मैं दिखाती हूँ, वो मेरी है, ये मैं रुखसार के लिए लाई थी, और ये मैं उसको दे दूंगी, कप वो ले गई, ये नहीं लेके गई थी, ये भूल गई, ये बड़ी है। हाँ, ये बड़ी है हमारी छोटी, एक और भी है वो रखी हुई है, वो पुरानी हो गई। हमें बहुत अच्छी लगती है, नहीं हम लोग का जब दिल चाह रहा ना होटल की फीलिंग लेने का, तो मैं घर में जो है ना होटल वाला पराठा बनाती हूँ, और ये चाय बनाती हूँ, मैं तो नहीं पीती, ये लोग, जब मैं पीती थी चाय तो पीती थी, अब नहीं पीती तो नहीं पीती। दो साल पहले की बात, हाँ, है, जब मैं पीती थी। हाँ,
तो अब ये है कि मैं जब इन लोगों को फीलिंग है होटल पे जाके खाने की, मैं कहता होटल पे नहीं जाओ और घर में होटल बनाते हैं, फिर हम लोग ये सामने रखते हैं, हमें फीलिंग आ रही थी हम होटल पे बैठे हुए। अरे आप यहाँ किस चीज पूछ के बैठी, आप कैसे चल गए टेबल पे, आप टेबल पे कैसे चले गए? ओ इसको अच्छा लग रहा है यहाँ बैठना, ठंडा होगा ना। हाँ ये लेटी हुई थी मजे से बनो आज। स्टार्ट सुबह से लिया हुआ था बल्कि कल रात से ही चल रहा है, और अभी जो है मैं खाने की तरफ आ गई क्योंकि हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, बर्दाश्त खत्म हो गई थी, तो हमने कहा कि चलो फटाफट पहले खाना बनाते हैं। फिर हमने पहले सोचा कि हम कढ़ाई बाहर से मंगवाते हैं, आज कढ़ाई मंगवाते हैं, फिर मैंने कहा नहीं यार आज कढ़ाई घर में बनाते हैं, तो आज मैं जो है कढ़ाई बना रही हूँ नमकीन। माशाल्लाह पूरा जग डाल दो। ओए नहीं ओए बस बहुत है, ठीक है। यहाँ मैं ऑयल डाल दिया है और इसमें ये चूल्हा में हल्का कर लूंगी इससे पहले कि मेरे ऊपर गोल पानी आए। यहाँ पे जो है हमने ऑयल में वहाँ पे चिकन डाल दी है, इसमें वैसे तो मटन बनता है, फिलहाल मेरे पास चिकन था तो मेरे चिकन बनने वाली, तो हम फ्राई करेंगे हल्का सा, और जब ये फ्राई होगी और फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को आगे। इसमें हम जो है आप टमाटर डाल देंगे, अच्छा इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, खाली नमक जाएगा और ये जाएगा टमाटर जाएंगे, नमक जाएगा और हरी मिर्ची जाएंगे, टमाटर पूरे एक किलो। यहाँ पे जो है हम अब नमक डाल देंगे, दो तीन चम्मच डाल देंगे और कुछ भी नहीं जाने ना मसाले में, और बहुत टेस्टी बनती है लेकिन ना बहुत मज़ा आता है खाना खाने में, ठीक है। अभी तो हमारा ना भूख का लेवल बहुत बढ़ गया था, हमारा काम तो ख़त्म होने नहीं है, और फिर इसको रखेंगे हम टमाटर के ऊपर इस तरह करके। देखो इधर देखो, ठीक है, इस तरह टमाटर रख के और हम इसको ढक देना बस। अब हम थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं इसको जब भूनेंगे और चूल्हा थोड़ा सा हल्का कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा सालन ऊपर है और ये किस किस को भूख लग रही है आज बिस्मिल्लाह करें। माशाल्लाह मुझे आज बहुत भूख लग रही है, आज मैं काम कर करके ना माशाल्लाह। नहीं अभी मेरी रोटी है ये वाली, सालन कब बनेगा रोटी स्पेशल, हाँ ये पके हमसे नहीं खाई जाती है, हम नहीं खाते माशाल्लाह। ओह ये तो पानी पानी हो गया, तो पानी नहीं छोड़ेगा अभी, चूल्हा फुल होगा, ये हमने फुल कर दिया, अब हम फुल आंच पे इसको भून लेंगे। टमाटर इसमें खत्म हो जाएंगे, अभी टमाटर को खत्म हो जाएगी, जो इसकी छिलके हैं वो मैं निकाल दूंगी, फिर मैं ना टमाटर के छिलके नहीं खाते, बस यही गाना है मुझे। हाँ मम्मा जी कैसा लगा? माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ मैंने भून लिया है, और जब ऑयल ऊपर आ जाए ना तो समझो तैयार हो गया, हरी मिर्चें भी मैंने डाल दी है और यहाँ पे हमारी कढ़ाई जो है मज़े वाली नमकीन गोश्त की मज़े की तैयार हो गई, बिना मसाले के बिना कुछ भी नहीं। और तुम क्या कहते रेड कलर, ये देखो मैं कहती हूँ रेड कलर कैसे आएगा, एकदम अपने आप ही रेड हो गई, रेड हो गई ना, पहले व्हाइट थी ना वो फ्राई करते करते रेड हो गई, सही है। यहाँ पे हमारी कढ़ाई तैयार है, बस अब हम लोग लगाते हैं दस्त। बिस्मिल्लाह। आप लोगों को कैसे लगे जरूर ट्राई करेगा, इसी तरह बनाइएगा, और ये रायता भी बहुत अच्छा है। हाँ रायता भी मैंने बनाया, बहुत जबरदस्त कढ़ाई आप लोग मेरे तरीके से बना के खाएगा, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है, यकीन माने कि यहाँ स्वाद ही सारा खत्म है। आप लोग भी आज बिस्मिल्लाह करें, खाने में मजा आ जाएगा और खाने का जो है ना मजा दुबाला हो जाएगा, दुबाला किस किस ने खानी आ जाए। आप लोग भी बिस्मिल्लाह करो, हम लोग तो शुरू कर रहे हैं खाना खाना, अम्मी आप भी खाएं बिस्मिल्लाह करें, आज माँ आप भी खाओ और आज की कढ़ाई खाओ और मजे लो यार। हमारे पास ये नहीं खाना कि ना, नहीं वो कढ़ाई बाहर से मंगाते हैं, ऑर्डर करते हैं, मैं खाओ मैं तुम्हें पका के खिलाती हूँ। मेरा दिल कर रहा था आज कुछ स्पेशल खाएं। हाँ फिर स्पेशल घर में ज्यादा अच्छा है ना। हाँ बिस्मिल्लाह घर की चीज से बाहर है ना। जो है जी खाना खा लिया, खाना खा के और मैंने सोचा कि बस कमरे की भी सफाई रह गई थी, बाकी मैंने पूरे घर की कर ली, बेडशीट चेंज करनी थी और रूम का भी पूरे की सफाई करनी है, तो बस यहाँ ब्लॉग का भी एंड करना था, तो मैंने कहा ब्लॉग को एंड करते हैं, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे इंशाल्लाह। बाकी साफ तो हो गया, पूरा घर साफ हो गया माशाल्लाह से, अच्छे से डीप क्लीनिंग हमारी हो गई, लगा सुनाई का देता प्यारा लग रहा है।
तो मैं लिया गद्दा सुनोही के लिए क्योंकि उसको ठंड बहुत लग रही थी। मैंने कहा नहीं यार बच्चे को ठंड लग रही है, मैं अपने बच्चे के लिए ले आऊँ, मुझे बहुत पसंद है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा है, फिर तो मैं इस पर लेट जाऊँ। पूरी भी नहीं आओगी आप? बहुत अच्छा लगेगा। इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बाकी यही जो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अपनी दुआ में ढेर सारा याद रखिएगा। बाय बाय।